हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल सी ओनली टेक पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आप देखते होंगे कि जब कोई ज़्यादा सब्सक्राइबर काउंट वाला चैनल, यानी कि उस चैनल पे बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर होता है, मिलियन सब्सक्राइबर होता है, 2 मिलियन 3 मिलियन सब्सक्राइबर होता है, तो उस चैनल पे अपने कोई भी वीडियो को अपलोड करते हैं तो उसे लोग ज़्यादा देखना पसंद करते हैं। रीज़न यह है कि दोस्तों, वो चैनल पे वीडियो इसलिए देखना पसंद करते हैं कि उनको लगता है इसमें कोई जानकारी अच्छा होगा, इसलिए उस वीडियो को देखते हैं। लेकिन ऐसा कोई बात नहीं दोस्तों, उस चैनल पे वीडियो को जानकारी के लिए अपलोड करते हैं, लेकिन उसमें जानकारी अच्छा है कि जानकारी नहीं भी है अच्छा, लेकिन फिर भी लोग उसे देखते हैं। इसलिए देखते हैं कि उनका सब्सक्राइबर काउंट ज़्यादा है, लोगों को लगता है कि इसमें ज़रूर कोई खास बात होगा। लेकिन दोस्तों, आपके सामने दिक्कत तब आ जाती है जब आप नया YouTube चैनल को शुरुआत करते हैं और अपने चैनल पे वीडियो को अपलोड करते हैं तो लोगों को लगता है कि इसका सब्सक्राइबर कम है तो ये क्या नॉलेज देगा, इसके पास खुद नॉलेज नहीं है क्योंकि इसके पास सब्सक्राइबर नहीं है, ये नया चैनल है। उस समय दोस्तों, लोगों के माइंड में एक सेट हो जाता है कि इसका सब्सक्राइबर ज़्यादा है तो वो अच्छा नॉलेज देगा और इसका सब्सक्राइबर कम है तो ये अच्छा नॉलेज नहीं दे पाएगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है दोस्तों, लोगों का एक माइंड में सेट हो जाता है सब्सक्राइबर ज़्यादा होने पे वीडियो अच्छा डालेगा और सब्सक्राइबर कम होने पे वीडियो अच्छा नहीं डालेगा। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको यह बताने वाले हैं कि यदि आप अपने नए YouTube चैनल का शुरुआत करते हैं तो उसमें आपका सब्सक्राइबर काउंट बहुत कम होता है, यानी कि 50, 100, 200 ऐसे करके सब्सक्राइबर आपका चैनल पे होता है, तो लोगों को वहाँ पे दिखता है आपके चैनल पे इसका कम सब्सक्राइबर है तो ये अच्छा वीडियो अपलोड नहीं करता होगा, इसके पास नॉलेज नहीं है। तो दोस्तों, आज आप लोग को हम बताएंगे कि आप अपने सब्सक्राइबर काउंट, यानी कि आपका चैनल पे जो सब्सक्राइबर दिखता है उसे हाइड कैसे करेंगे, यानी कि सब्सक्राइबर को छुपाएंगे कैसे। तो आइए दोस्तों, वीडियो पर बने रहिए ताकि हम आप लोगों को अच्छा से बता सके अपने चैनल का सब्सक्राइबर काउंट डिस्प्ले को बंद करने के लिए, यानी कि आपका सब्सक्राइबर को हाइड करने के लिए। उससे पहले कि दोस्तों आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी दबा लीजिए, क्योंकि दोस्तों हमारे चैनल पे इस तरह का ढेर सारे वीडियो आप लोगों को मिलता रहेगा। सबसे पहले दोस्तों, अपना YouTube चैनल को आपको गूगल क्रोम ब्राउजर में ओपन कर लेना है। दोस्तों, जब अपना YouTube चैनल को जब गूगल क्रोम ब्राउजर में ओपन कीजिएगा तो सबसे पहले आपको ऊपर 3 डॉट में जाना है। जाने के बाद अपना ब्राउजर को डेस्कटॉप साइड कर लेना है, यानी कि डेस्कटॉप साइड जब रहेगा तभी आपका ये सेटिंग हो पाएगा, और डेस्कटॉप साइड नहीं रहेगा तो सेटिंग नहीं हो पाएगा एंड्रॉयड फ़ोन में। जब दोस्तों आप डेस्कटॉप वर्जन कर लेंगे, आपका चैनल जब लॉगिन हो जाएगा क्रोम ब्राउजर में, उसके बाद आप ऊपर राइट साइड में देखेंगे आपका चैनल का लोगो दिखेगा, आप उस चैनल लोगो पे जाएंगे। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे सेटिंग का ऑप्शन दिखेगा, आप सेटिंग में जाइएगा। सेटिंग में आने के बाद दोस्तों आपको यहाँ देख सकते हैं, सबसे पहला आपको ऑप्शन मिलेगा चैनल स्टेटस एंड फ्यूचर्स का, आप चैनल स्टेटस एंड फ्यूचर का आपको का ऑप्शन मिलेगा, आप वहाँ पे जाइएगा। आप देख सकते हैं आपका चैनल का लोगो रहेगा, उसी का नीचे चैनल स्टेटस एंड फ्यूचर रहेगा, अब उस पर क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके पास चैनल स्टेटस एंड फ्यूचर का ऑप्शन खुल जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे बीच में, यानी कि एडवांस सेटिंग का ऑप्शन है, आप एडवांस सेटिंग में जाएंगे। एडवांस सेटिंग में जाने के बाद दोस्तों आप इधर नीचे इसको करेंगे, नीचे करते जाएंगे, उसके बाद यहाँ पे आपके सामने एक ऑप्शन मिलेगा जो कि यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है सब्सक्राइबर काउंट, उसके नीचे लिखा हुआ है डिस्प्ले द नंबर ऑफ पीपल सब्सक्राइबर टू माई चैनल, यानी कि दोस्तों ये जो बॉक्स बना हुआ है इसमें आप राइट क्लिक कर देंगे तो आपका सब्सक्राइबर दिखने लगेगा, और यदि ये बॉक्स में राइट क्लिक हटा देंगे तो आपका सब्सक्राइबर काउंट आपके चैनल पे नहीं दिखेगा। जब दोस्तों आपका चैनल पे सब्सक्राइबर नहीं दिखेगा तो लोगों को दिमाग में यह सोच नहीं आएगा कि ये चैनल छोटा है या बड़ा है। जब भी आप कोई वीडियो डालिएगा तो लोग एक बार देखना ज़रूर पसंद करेंगे वीडियो को, और जब आपका वीडियो को देखेंगे तो ऑटोमेटिक आपका व्यूज बढ़ेगा, सब्सक्राइबर भी बढ़ जाएगा। बाकी दोस्तों, आज के लिए धन्यवाद। हम उम्मीद करते हैं कि आपको यह जानकारी अच्छा लगा होगा। अगर आपको किसी प्रकार से कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम हर कमेंट का रिप्लाई करेंगे, हमारा पूरा कोशिश रहेगा आप लोगों को समझाने का। बाकी दोस्तों, आप लोग चाहते हैं कि हम किसी और टॉपिक पे आप लोग के लिए वीडियो बनाएं तो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम हर एक टॉपिक पे वीडियो बना देंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि हम इस प्रकार से और भी वीडियो आप लोगों के लिए बनाते रहें।